कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो मामला नीट का चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सरकार की मिली भगत इसमें लगती है, इसलिए कि मान लीजिए लीक हो गया पर्चा, तो सरकार को मानना तो चाहिए कि हाँ लीक हुआ। और कई ऐसे बिंदु हैं इसमें, चाहे बिहार का मामला हो, खासतौर से जो प्रतियोगी हैं उनको हटाया गया और जाके उन्होंने उगल दिया। और उसके बाद दूसरी बात है जो ग्रेस मार्क के आधार पर दिया गया, अगर पर्चा लेट दिया गया तो जितना लेट हुआ उतना आगे समय दे दीजिए लिखने के लिए। गुजरात में करोड़ों का लेन देन हुआ, एक नहीं तमाम सारी त्रुटियां हैं, तमाम सारे भ्रष्टाचार हैं, लीकेजेस हैं, और यही नहीं तमाम पेपर लीक हुए। तो ये सरकार जो आउटसोर्सिंग करती है या जो भ्रष्टाचार है उसको कवर अप करती है। पहले की सरकारें ये थी, कम से कम इतना है जांच के लिए तैयार होती थी, कार्यवाही भी होती थी। मैं देखा हूँ कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री एमपी भी जेल गए थे। आप बता दीजिए मोदी जी की सरकार में जितने भ्रष्ट कोई जेल गया हो इनका आदमी, बल्कि सारे भ्रष्ट बीजेपी के शरण में आकर के वो सब साफ सुथरे हो जाते। जो छात्र है वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रेस मार्क की बात आ रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व। पैसा तो इन्वॉल्व है, करप्शन तो किया जाए। अभी तो वहां गुजरात में जहां इनकी सरकार है वहां तो करोड़ों का लेन देन की बात आई है, गिरफ्तारी भी हुई है। तो इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए शिक्षा मंत्री का, प्रधानमंत्री? अब होना क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होनी चाहिए और इसको निरस्त किया जाना चाहिए, फिर से एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।